हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम हियर विद सम वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th हु आर गोइंग टू अटेंड दियर बोर्ड एग्जामिनेशन दिस वीक। डियर स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द पैटर्न ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। एज यू नो, योर इंग्लिश पेपर इंग्लिश कोर 301 इज डिवाइडेड इंटू 3 सेक्शंस। सेक्शन ए रीडिंग, सेक्शन बी राइटिंग एंड सेक्शन सी लिटरेचर सेक्शन। ओके, इन रीडिंग सेक्शन देयर विल बी टू रीडिंग पैसेज। फर्स्ट वन इज फॉर 10 मार्क्स एंड सेकेंड वन इज फॉर 10 मार्क्स। फर्स्ट वन इज डिस्कर्सिव पैसेज। 10 MCQs और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विल बी गिवेन। नेक्स्ट वन इज फैक्चुअल, केस स्टडी बेस्ड। सो योर रीडिंग सेक्शन इज 20 मार्क्स। सेकेंड वन इज राइटिंग सेक्शन, इट कंटेन्स 20 मार्क्स। नोटिस राइटिंग, इन्विटेशन, लेटर राइटिंग, लेटर टू द एडिटर और अप्लीकेशन फॉर जॉब, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन। 5 मार्क्स नोटिस, 5 मार्क्स इन्विटेशन, 5 मार्क्स लेटर एंड नेक्स्ट वन इज आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन, इट कंटेन्स 5 मार्क्स। सो योर राइटिंग सेक्शन इज ऑल्सो 20 मार्क्स। नेक्स्ट वन इज लिटरेचर सेक्शन। डियर स्टूडेंट्स, देयर विल बी 7 क्वेश्चंस गिवेन इन योर क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट वन इज एक्सट्रैक्ट बेस्ड फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो फॉर 6 मार्क्स। सेकेंड वन इज एक्सट्रैक्ट बेस्ड फ्रॉम पोएट्री। थर्ड वन इज एक्सट्रैक्ट बेस्ड फ्रॉम योर सेकेंड बुक विस्टास। थर्ड वन इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच, मीन्स 10 मार्क्स। ओके, 6 मार्क्स एक्सट्रैक्ट बेस्ड, 4 मार्क्स एक्सट्रैक्ट बेस्ड फ्रॉम पोएट्री, 6 मार्क्स फ्रॉम एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सेकेंड बुक, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच, 10 मार्क्स। नेक्स्ट वन इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम विस्टास सेकेंड बुक, 2 × 2, 4 मार्क्स। नेक्स्ट वन इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम योर फर्स्ट बुक फ्लेमिंगो एंड नेक्स्ट वन इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक विस्टास। सो दिस इज द पैटर्न ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। डियर स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू टेल यू हाउ टू अटेम्प्ट योर क्वेश्चंस वेन एवर यू आर गोइंग टू अटेंड रीडिंग सेक्शन। फॉर रीडिंग सेक्शन, रीड द क्वेश्चंस बिफोर रीडिंग द पैसेज, इट विल सेव योर टाइम एंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट योर आंसर्स। आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चंस, गो थ्रू द पैसेज, underline key points and find out your answers. Format, content and expression, no grammatical mistake, no spelling mistake. Your content should be effective, to the point. And next one is remember how to begin and how to end. Introductory paragraph, informative paragraph and conclusion paragraph, means you must know how to begin your content and how to make it end. Okay, next one is keep in your mind word limit. Dear students, the instructions will be given in separate questions and you have to attempt your questions and you have to write the contents that is given in your question paper, 120 to 150 words. So you have to write 120 to 150 words, not in 200 words. So remember word limit, minimum 3 paragraphs. Okay, good handwriting, readable, your content should be very neat and clean, readable, to the point, and you must include rich vocab to make your content very effective. Okay students,
highlight headings and subheadings of your content by underline. Letter writing, article or report. This should be written in minimum 3 paragraphs. Okay? 120 to 150 words. Minimum 3 paragraphs. No exceeding word limit, no scratching. Dear students, don't exceed your word limit. You have to write the contents as per the instruction given in your question paper. No scratching. If you have made any mistake, like this word. Suppose that if you have made mistake, don't scratch like this. No. Just draw a line. No, like this. Draw a line with pencil. So in literature section, you must know central idea, theme, plot, message and characters of the story or poem. Okay, students, create self notes in your mind. NCERT is the king. Don't leave any question in the examination. Attempt all the questions. Okay? New question from new page. Dear students, new question from new page. You have to attempt your new question from new page. I'm not talking about sub questions. Dear students, prepare all the chapters very well. Summary, theme, message of the story, best presentation, best content means quality answer. You must write best content. After attempting your question paper, give 15 minutes to check your answers. Dear students, complete your question paper before 15 minutes and give 15 minutes to check your answers again. Your question paper will be very easy. I know very well that your question paper will be very easy and you will do the best. All the best. Be happy.